अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की आदिलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। प्रजावाणी में मौसूल होने वाली शिकायत को जल्द हल करने अहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तदार के लिए सख्त मेहनत करने का दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद जिला मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी बाइक रैली का इनेकाद किया गया। कांग्रेस पार्टी रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने गांधी भवन में बहैसियत आदिलाबाद हलके उम्मीदवार के दरख्वास्त दाखिल करने के बाद आदिलाबाद आमद पर हज़ारों की तादाद में पार्टी कायदीन व कारकुनों ने वेलकम कमान पर पुरतबाक इस्तकबाल किया और एक बड़ी बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली मवाला से शुरू होती हुई शहर के मुख्तलिफ सड़कों और अहम चौराहों से होती हुई कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा भवन पहुँची। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। गांधी भवन में सबमिट करके आज मैं पहली बार आदिलाबाद आया हूँ। कांग्रेस पार्टी सब कैडर और आदिलाबाद जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया, आदाबर से जय भीम। हम कांग्रेस पार्टी, हम सब एक है। सभी लीडरा कार्यकर्ता मिलके जोगु रामन्ना को आदिलाबाद से भगाने के लिए हम तैयार हैं। जोगु रामन्ना और आपका दोनों बेटा
गिनो हमारा मेजॉरिटी 50,000 से एक वोट भी कम नहीं होता। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद का अड्डा पे जीतता इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद से जोगरामना और उनको बेटों को आदिलाबाद से भगा भगा के आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता शेर जैसा जोगू रामन्ना और उनका गुंडे से नहीं डरते हम, और कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद के अड्डा पे जीतता है। और तेलंगाना में 73 सीट्स अभी इलेक्शन हुए तो चुनाव हुए तो हम 73 सीट से ज्यादा हम जीत रहे कांग्रेस पार्टी 70 सीट से ज्यादा जीत के हमारा मुख्यमंत्री ही हमारा नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा और हमारा नेता ही कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में जीतेगा और आदिलाबाद का तेलंगाना का विकास के लिए कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता तैयार है। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावाणी में मौसूल होने वाली शिकायत को दूर करने के लिए फौरी इकदामात करें। कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में अवामी समाज के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजारों ने प्रजावाणी में ज़मीन, पेंशन, मुलाजिमत, डबल बेडरूम मकानात, गृहलक्ष्मी वगैरह के मसाइल पर दरख्वास्तें जमा की। एडिशनल कलेक्टर ने तजवीज़ दी कि अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत के अजाले के लिए फौरी इकदाम किए जाए और मुतल्लिका हुकाम फील्ड सतह पर मसाइल की निगरानी करें। कांग्रेस रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तदार के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। प्रजा सेवा भवन में मुनाकिद मीटिंग में इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत आइंदा इंतखाबात का हदफ होना चाहिए और पार्टी को इख्तदार में लाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यकीनन फतेह हमारी होगी। इन्होंने वाज़े किया कि वो सब एक ही ख़ानदान के हैं और जोगू रामन्ना की हार को अपना मकसद समझकर काम करेंगे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद पर कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। इस प्रोग्राम में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के चाहने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। అక్రమాలు
వాగ్దానాలు చేసి దోచినందుకు, అట్టగాలు హామీలతో నిండ ముంచినందుకు, అందరి బతుకులు అట్ట మీద కీడ్చినందుకు, గెలిపించిన ప్రజలని గాలి కొదిలినందుకు, తల పొగరి పట్టితగా నిలుగుతున్నందుకు, అక్రమాజనలోన జాగుతున్నందుకు, రండి రండి కదలి రండి కదం తొట్టాలి, కంది సీను వాసన్న పాట పట్టాలే, పద 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 పోదమా పోలు బాట పడదమా, కంది సీనన్నతో కలిసి అడుగు లేద్దమా, సై సై అని పోదమా సమరానికి సిద్ధమా, కంది సీనన్న చేసే అలుపెను కలియుద్దమా. जीतने के बाद आदिलाबाद जनता का पेनगंगा नदी पानी से प्रोजेक्ट बना के पाइल धोएंगे. आदिलाबाद जनता का मत्तड़ी वागू प्रोजेक्ट, सातनाला प्रोजेक्ट, सोनकस प्रोजेक्ट, लक्ष्मीपुर रिजर्वायर से आदिलाबाद जनता का पैर हम धोया कि नहीं धोया? कांग्रेस पार्टी धोया कि नहीं धोया? पेनगंगा नदी के पानी से आदिलाबाद लोगों का पैर धोएंगे हम, ये सबको बताना है. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में 50,000 मेजॉरिटी से जीत रहा है और तेलंगाना में 70 सीट से ज्यादा सीट जीत के हमारा मुख्यमंत्री बनाएंगे. कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में? जहां जहां सरकार की जमीन है उसको रीसर्वे करके प्लाटा बना के गरीबों को काट देंगे. कांग्रेस पार्टी आने के बाद सीसीआई को रीओपन करने के लिए कोशिश करेंगे. कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद आदिलाबाद में फैक्ट्री ला लेंगे, फोना बनाने का फैक्ट्री, लारी तैयार करने वाला फैक्ट्री, बसा तैयार करने वाला फैक्ट्री लाएंगे आदिलाबाद को. 10,000 लोगों को रोजगार देंगे हम, 10,000 आदिलाबाद जनता को नौकरी देंगे हम. आदिलाबाद में 3 महीने के बाद कौन बनाएगा घर, कौन बनाएगा गरीब का, कौन बनाएंगे घर, कौन बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी. पेंशन कौन दे, कौन देगा? रेशन कार्ड कौन बनाएगा? पेनगंगा प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी लोगों को लोन कौन दिलवाएगा? कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ. तेलंगाना स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन जामे एजुकेशन में काम करने वाले 22 मुलाजिमीन को मुस्तखल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया. इन्होंने मुकामी आरएनबी गेस्ट हाउस से एक रैली निकाली जो शहर की अहम सड़कों से गुजरते हुए महान हस्तियों के मुजस्मों पर गुलाय अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया और कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर अपने जायज़ मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए. इन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुख्तलिफ महकमों में रेगुलर कर रही है तो वहीं जामे नज़्म नफ्त के महामिल मुलाजिमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है जो तालीमी काबिलियत और तजुर्बा रखते हैं. MTS.
आदिवासी परेशान हैं, इन्हें जीओ नंबर 58 के मुताबिक आदिवासियों को अराजी दी जाए और गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत मकानात बनाए जाए। आदिवासी हुकूक जद्दोजहद कमेटी तुड़ुम दिब्बा की ज़ेर क़यादत आदिवासियों ने पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया और नारे लगाए। इस मौके पर तुड़ुम दिब्बा ज़िला सदर गिड़म गणेश ने कहा कि ज़िला मुस्तखर के कुमरम भीम कॉलोनी में आदिवासी बरसों से रह रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि जियो नंबर 58 के मुताबिक आदिवासियों को अराजी दी जाए और गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत गरीबों के लिए मकानात बनाने जाए। इन्होंने अर्जियां लेने के लिए कलेक्टर को आने का मुतालबा किया। एडिशनल कलेक्टर खुशबू गुप्ता और आरडीओ श्रीवंती ने एहतजाजी आदिवासियों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत गरीबों के तय मजबूत है और तमाम मसाइल जल्द हल करेंगे। MMRPS जिला क़ायद प्रवीण ने मुतालबा के दलित बंधु हर गरीब ख़ानदान पर लागू किया जाए। आदिलाबाद मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इज़हार किया। इन्होंने मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम को सिर्फ चंद लोगों पर लागू ना किया जाए बल्कि हर मुस्तहिक गरीब की मदद की जाए। इन्होंने कहा कि हकीकी गरीबों को फलाही स्कीमें दस्तियाब नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुनाफिकत का मुजाहरा ना करें और सबके साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदामात करें। बेला मंडलम सांगड़ी ग्रामम नुंची
दलित कलेक्टर गारी मेमोरेंडम इव जी एंकंटे तेलंगाणा प्रभुत्वं एर्पड़ी इप्पटि वरकु सांगडी ग्रामं काकुंडा कोन्नि ग्रामालकु दलित बस्ती पथकं किंद भूमुलु इव्वलेरु काबट्टि दान्नि दलित बंधु स्कीम गा मार्चारु अयिना प्रभुत्वान्नि मेमु స్వాగతించినాం ఇప్పటి వరకు కూడా దళిత బంధులో కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా నిరుపేదలను నిజమైన నిరుపేదలకు కూడా ఆ దళిత బంధు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారిని మేము ఈరోజు గ్రీవెన్సల్లో ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు కూడా దానిపై స్పందించి తప్పకుండా నిజమైన నిరుపేదలకు న్యాయం చేసే బాధ్యత నాదని కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటికి 9 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా దళితులపై కపట ప్రేమ లేకుండా నీతి నిజాయితీగా ఉన్నటువంటి నిరుపేద కుటుంబానికి ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలలో ఈ దళిత బంధుని ప్రతి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మా యొక్క ఎంఆర్పిఎస్టీఎస్ తరపు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తెలంగాణ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ సిఐటియు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ने रियासतगीर हड़ताल के हिस्से के तौर पर हुकूमत की तरफ से असेंबली में ऐलान करदा मोटरसाइकिलें देने और जेर अल्तवा दावों के मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए एजिटेशन का आगाज़ किया और ज़िला कलेक्टर के रूबरू धरना दिया। सीआईटीयू ज़िला सेक्रेटरी ए किरण ने कहा कि रियासती हुकूमत 2022 के असेंबली बजट इजलास में ऐलान किया कि तामीराती मजदूरों को मोटरसाइकिलें फराहम की जाएगी, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद मोटरसाइकिलें फराहम नहीं गई। इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वेलफेयर बोर्ड पॉलिसी बनाकर तमाम कार्ड होल्डर वर्कर्स को मोटरसाइकिलें और ख़वातीन वर्कर्स को स्कूटी फराहम की जाए। बाद अज़ा इन्होंने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। రెండో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కార్మిక శాఖ మంత్రి సామగూర మల్లారెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న భవన నిర్మాణ కార్మికులకు 100,000 బైకులను పంపిణీ చేస్తామని హామీని ఇచ్చారు। కళ్ళు కాయలు కాచేలా వేచి చూస్తున్నారు కార్మికులంతా, కానీ ఏడాదిన్నర గడిచినా ఇప్పటివరకు ఆ హామీని అమలు చేసే దాంట్లో కార్మిక శాఖ మంత్రి విఫలమయ్యారని మేము స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా ఉన్నాం। అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికుల పేరిట వసూలు చేస్తున్న సెస్సు నిధులను ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన నిధులను కార్మికులకే ఖర్చు చేయాలని మేము స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం। కాబట్టి పెండింగ్లో ఉన్న క్లెయిమ్లన్నింటిని వెంటనే విడుదల చేయాలనేది డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా 60 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికునికి 10,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలి, 10,00,000 రూపాయల ప్రమాద బీమా కల్పించాలి। అదేవిధంగా 1996లో ఏదైతే చట్టం వచ్చిందో ఆ భవన నిర్మాణ చట్టాన్ని, అదేవిధంగా 1979లో తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి। ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం అవసరమైతే రానున్న రోజుల్లో ఈ పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। సైన్స్ ఆఫీసర్ రఘు రమణ ने कहा कि तलबा को साइंसी नुक्ते नज़र को अपनाना चाहिए और साइंसदान के तौर पर ख़ुद को परवान चढ़ाना चाहिए। मुकामी विनायक चौक पर वाक़ प्राइमरी स्कूल में ज़िला सतह पर प्राइमरी सतह का तालीमी और साइंस मेला शुरू किया गया। रघु रमना ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए साइंस की नुमाइश का इनेकाद एक बहुत बड़ी बात है, जो कि रियासत और ज़िले की तारीख में कभी नहीं हुआ। इस मेले में रियाजी और जनरल साइंस से मुतालिक 60 से ज़ायद प्रेजेंटेशन पेश किए गए। मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा व तलबात ने अपने वालिदैन की हमरा इन प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। Thank you।
process of growing crops is called agriculture. Organic farming is a method of agriculture that invests cultivation of crops. And rear animals using natural methods without the use of synthetic inputs such as chemical fertilizer special. శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిరి వినాయక చౌక్ పాఠశాల యందు ప్రాథమిక స్థాయి జిల్లా స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి గాను జిల్లాలోని అన్ని ప్రాథమిక పాఠశాలకు చెందినటువంటి అంటే కేవలం శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిరి పాఠశాలకు చెందినటువంటి విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది. మరి వివిధ పాఠశాలలో గెలుపొందినటువంటి విద్యార్థులకు జిల్లా స్థాయిలో ఈ పాఠశాలలో విద్యా వైజ్ఞానిక మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విద్యా వైజ్ఞానిక మేళలో జిల్లాలోని వివిధ పాఠశాలలకు చెందినటువంటి సుమారు 60కి మంది పైగా విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది. దీనిలో 3వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు గలటువంటి విద్యార్థులు ఈరోజు చక్కని ప్రదర్శనలను ప్రదర్శించారు. కాంగ్రెస్ రియాసతి ఖాయిద్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ఖిద్మాత్ బేమిసాల్ హే. ఇన్కి జానిబ్ సే షురూ కియా గయా ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है और रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर. कांग्रेस के रियासती खायद कंदी श्रीनिवासा रेड्डी की आदिलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल. प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायत को जल्द हल करने अहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत. कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तदार के लिए सख्त मेहनत करने का दिया मशवरा. खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा.